मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो एवरी वन, मैं यहाँ पे आया हूँ चना लेने अपने पुराने वाले घर पे। सो दोस्तों, यहाँ से मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ चना को कैसे रिक्वायर करते, कैसे बनाते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग ने भर भर के कमेंट किया था कि चना विकास भाई कैसे बनाते हो, अपने दुकान का चना कैसे रेडी करते हो। सो दोस्तों, इसी टिपिक टॉप्स पर मैं वीडियो बनाया हूँ। सो दोस्तों, देख सकते हैं ये चना है, इसके अंदर टिपी का बोरा का रेपर लगा हुआ है दोस्तों। सो चलते हैं अपने रूम, तो दिखाते हैं कैसे चना को बनाते हैं। सो अभी हम लोग आए हैं बाइक से, मैं सिंगल ही आया हूँ दोस्तों। सो चलते हैं और दिखाते हैं कैसे बनाते हैं चना। सो है एवरीवन, अभी हम लोग जा रहे हैं बाइक से और ये चना ले रहे हैं गाइस। और गाइस, अभी जा रहे हैं, इसके बाद आप लोग ये दिखाते हैं कैसे चना रिक्वायर करते हैं। चना इसके अंदर है और फाइनली मैं घर जाऊंगा तो चना कैसे रिक्वायर करते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी घर यानी रूम पे। ये है अपना फ्रंट कैमरा का मिरर और ये है बाबा लोग। हेलो बाबा, कैसे हैं? हाय बोलिए। हेलो हेलो हेलो। अभी हम चलते हैं अपने रूम और रूम पे चलते हैं, इसके बाद चना को ओपन करके दिखाते हैं। तो अभी चल चुके हैं हम अपना रूम की ओर। तो देख सकते हैं कितना हाईवे लगा हुआ है दोस्तों। ये ट्रैक्टर इसी तरफ से हमको जाना है दोस्तों। इस अभी मैं रूम पे आ चुका हूँ। सो मैं दिखाता हूँ चना का बोरा और तो यही चना का बोरा है। सो इस कवर में से निकला हुआ है ये रेपर चना का बोरा और दोस्तों लिखा हुआ है अन्नपूर्णा और इधर भी देख सकते हो दोस्तों अन्नपूर्णा पालिश चना, ये पालिश चना रहता है दोस्तों। तो सुबह रहे, इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्त वीडियो, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि चना कैसे रिक्वायर करते हैं दोस्तों। ये मेरा दो फोर व्हीलर लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। सो गाइस, मिलते हैं, तब तक लिए वेस्ट कीजिए, आपको चना रिक्वायर करके दिखाऊंगा। बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉच और बने रहिए दोस्तों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, मैं विकास भारती और आप लोग देख रहे हैं विकास भारती ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों। सो चलिए देखते हैं चना को कैसे बनाते हैं। सो दोस्तों, देख सकते हैं वही चना का बोरा है जो मैंने बैक साइड में बताया, अन्नपूर्णा पालिश चना, और यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों अन्नपूर्णा। सो दोस्तों, इसमें से चना मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ ये बड़ा सा कंटेनर में, और देख ही सकते हो दोस्तों ये है चना। इसमें अभी कुछ मिलाया हुआ नहीं है दोस्तों, अभी चना को रेडी करूँगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर कैसे रेडी करते हैं। सो को रेडी करने के लिए दोस्तों एक ज़रूरत पड़ती है एक झंझरे की, जिससे मिलाना रहता है ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मिलाना रहता है दोस्तों। सो इसका मसाला मैं दिखाता हूँ गाइस। ये है टोटल केयर यानी टाटा का जुड़वा भाई यानी टोटल केयर का नमक यूज करता हूँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर हो गया। दूसरी नंबर है दोस्तों ये है धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर भी इसमें डलाता है दोस्तों। तीसरी नंबर है दोस्तों ये क्या बोलते हैं सोडियम ऑयल है, सोडियम पानी है जो मार्केट से लिटरली 20 या 25 रुपए में मिल जाती है दोस्तों। सो चौथी में ये है दोस्तों टर्मरिक पाउडर, हल्दी मसाला, देख ही सकते हैं दोस्तों मायूर कंपनी का लिखा हुआ है हल्दी मसाला। मैंने फ्रंट कैमरा से कैमरा शूट कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए उल्टा दिख रहा है गाइस। सो देखते हैं इन सबको अभी चना के अंदर मैं ऐड करूँगा और चना ऐड करने के बाद रेडी हो जाएगा दोस्तों। सो दिखाते हैं कैसे कैसे चना ऐड रेडी होता है दोस्तों। सो देखिए बने रहिए इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं सोडियम पानी को इसके अंदर ऐड करूँगा दोस्तों, इसका सील नहीं टूटा है दोस्तों, तो चलिए अभी इसका सील तोड़ते हैं दोस्तों। इसका सील टूट चुका है
और ये सोडियम पानी इसके अंदर आ गया है, तो इसको ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे मिला लेंगे दोस्तों। सो चना में धीरे धीरे ऐड करेंगे दोस्तों, ये इस झांझरे की मदद से धीरे धीरे चना में ऐड करेंगे। या गाइस अच्छे से सोडियम पानी को हम अच्छे से मिला लेंगे इस झांझरे की मदद से, ऊपर से नीचे तक नीचे से अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। और अब ऐड करेंगे ये टर्मरिक पाउडर हल्दी मसाला दोस्तों, इसमें ऐड करेंगे जब तक ये पूरी तरह से येलो नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों इसमें डालते रहेंगे। और डालने के बाद फिर मैं डालूँगा ये धनिया पाउडर दोस्तों। फिर मैं डालूँगा ये टोटल केयर का नमक दोस्तों, नमक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि चना में जब नमक ही नहीं रहेगा या कोई चीज़ में खाने वाला में अगर नमक ही नहीं रहेगा तो इसका टेस्ट क्या दोस्तों। वाह देख सकते हैं दोस्तों कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। अभी मैं इस सब को अच्छे से मिक्स करूँगा दोस्तों। गाइस यार बन रही है इस वीडियो में और मैं दिखाता हूँ आप लोग के जी रहा था दोस्तों। और ये है चाट मसाला, और लिटरली मार्केट से 10 या 15 20 25 40 रुपए तक मिल जाता है दोस्तों, जैसा पैकेट लीजिए तैसा। सो मैं ये चाट मसाला भी इसमें ऐड करता हूँ दोस्तों, और भी है इसमें। अब इसको भी मैं कर दूंगा ऐड इसमें। फाइनली गाइस चना हमारा बन चुका है दोस्तों, देख ही सकते हो, और ये चना पूरी तरह से बन चुका है। और इसको रेडी होने में करीब करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, खुले हवा में भी छोड़ सकते हैं या फिर धूप में भी छोड़ सकते हैं, 5 घंटा इसको रेडी होने में समय लगता है दोस्तों, देख ही सकते हो दोस्तों। ये है ये सोडियम पानी, ये हो गया साल्ट, और ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया टर्मरिक पाउडर, ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिया दोस्तों। मिनिमम काम के अनुसार जितने इसको चाहिए उतने हमने ऐड कर दिया है दोस्तों, और 4 से 5 घंटे हम इसको खुले हवा में छोड़ सकते हैं या फिर धूप में छोड़ सकते हैं दोस्तों। सो 5 घंटा लिटरली ये समय ले ही लेता है दोस्तों। सो 5 घंटा हम इसको खुले हवा में छोड़ देंगे दोस्तों। 5 घंटा इसको खुले हवा में छोड़ने के बाद ये इवनिंग में हमारा चना रेडी हो जाएगा। सो उसी समय मैं अपना दुकान निकालूंगा और साथ में चने को निकालूंगा। सो चना हो जाएगा रेडी। सो दोस्तों आई होप कि आप सबके ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूं दोस्तों। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए और अपने भाई का दिल चौड़ा किए रहिए, हिम्मत बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, तो इसीलिए हिम्मत बनाए रखना जरूरी है दोस्तों, इसीलिए प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।